मीरा जी कौन? तो हमारे कदमों की आहट से आप हमारी आमद पहचान लेती हैं मीरा जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जिस इंसान के सर पे आप जैसी महान हस्ती का साया हो मीरा जी, वो तो तर गया ना। सर, आप हमेशा मेरी इतनी तारीफ क्यों करते रहते हैं? सर, मैं तो बस एक आम औरत हूँ, कोई जन्नत की हूर परी तो नहीं हूँ जो खूबसूरत होती है। कौन कमबख्त कहता है मीरा जी कि मैं आपकी शक्ल का दीवाना हूँ? मैं तो आपके जो अंदर है ना वो पवित्र आत्मा, उसका दीवाना। जो जो मेरा खिंचाव, जो लगाव है आपकी तरफ, वो आपकी तरफ नहीं है। नहीं? आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। नहीं? वो जो आत्मा है उसकी तरफ। ये शरीर तो कमबख्त फानी है, इस धोखेबाज है, कब साथ छोड़ देगा नोबडी नोज। लेकिन जो आपके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा, वही अजर है, वही अमर है। कुछ असर है अब मेरे नाम कुछ समझिए आप। भाई मैं अंदर बैठा सुन रहा था कि आपका जो लगाव है मीरा की तरफ, वो उसकी खूबसूरती से नहीं है बल्कि आत्मा से है। जी। तो एक बात बताइए, अगर कल को मीरा की आत्मा किसी बुढ़िया के अंदर चली जाए तो भी आपका लगाव उतना ही रहेगा? जी हाँ, मेरा लगाव उतना ही रहेगा। और कहीं ऐसा हो गया तो सबसे पहले आप भागेंगे। आप माफ करना बरखुरदार, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कल को अगर मीरा की आत्मा किसी गाय, बकरी या भैंस में आ जाए ना, तो भी मैं मीरा को अपने दिल के खूंटे से बांध कर रखूंगा, अपने कलेजे के टुकड़े खिलाऊंगा, गुर्दे के पूरे के कबाब खिलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, ये सारे एनिमल्स जो है वो वेजिटेरियन है। एक्सक्यूज मी, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आकर बोलने की? बीच में आकर बोलने की, बड़ा मोहब्बत करता है तुम्हारी आत्मा से, माय फुट। और तुम किससे मोहब्बत करते हो? मेरा, मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, वक्त आए तो आजमा लेना। ठीक है, हम भी आजमा लेंगे कि आत्मा से कौन प्यार करता है।